वंदे मातरम। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। प्राइम न्यूज में आज बात करेंगे देश में हो क्या रहा है। जी अमूमन आप भी इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए आए होंगे कि चल क्या रहा है, लेकिन असल मायनों में हिंदुस्तान में चल क्या रहा है इसको तलाशने की भी जरूरत है, टटोलने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि आखिर चल क्या रहा है। आज पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग मसलों पर पूरा हिंदुस्तान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग विषयों को लेकर के लगातार उपापोक की स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है, तो समझना ये जरूरी हो जाता है कि देश में चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं प्राइम न्यूज की कवर स्टोरी में, आज किन किन बातों का जिक्र हमने किया है। प्राइम न्यूज की कवर स्टोरी में आज सबसे पहले आपको बताएंगे दो ऐसे प्रदेश जहां पर हिंसा हुई, लेकिन दोनों ही प्रदेशों के मुखिया की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई, कुछ ऐसा स्टेप उठता हुआ दिखा नहीं जिससे हम ये कहें कि इन दोनों ही प्रदेशों के मुखिया ने अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हों। बात चाहे पश्चिम बंगाल की कर ली जाए या फिर बात बिहार की कर ली जाए, नीतीश बाबू का सुशासन यहां काम नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने प्रदेश को शांत करने के बजाय वो दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताने में मशरूफ हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की जा रही है, थर्ड फ्रंट की कोशिशें एक बार फिर से जारी हैं, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। प्रदेश जल रहा है लेकिन रोटियां दिल्ली में से की जा रही हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में एक रवायत ये भी है कि जब हवा चलती है तो वो लहर बन जाती है। कमोबेश लीक्स की अगर हम बात करें तो इसकी भी एक हवा सी बन गई है। कभी चुनाव आयोग के इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर करने से पहले वो तारीखें लीक हो जाती हैं, कभी CBSE के पेपर लीक हो जाते हैं, कभी फेसबुक के जरिए डेटा लीक होने की बात सामने आ जाती है। तो ये एक दौर है, या यूँ कह लीजिए कि इस दौर में हर कोई जी भी रहा है और समझने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाएगा। साथ ही साथ अब भीमराव अम्बेडकर को आप भीमराव रामजी अम्बेडकर कहना पड़ेगा, ये नया चूँकि उनके पिताजी का नाम था ये अब शामिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो ये कमोबेश हिंदुस्तान में चल रहा है। विस्तार से जरा समझिए हर एक पहलू को कि इन तमाम पहलुओं के साथ साथ मायने क्या जुड़ते चले जाते हैं, राजनीति कितनी है, असलियत कितनी है और सियासी रोटी सेकने की कोशिशें इन तमाम मुद्दों से कितनी की जाएंगी, इसकी चर्चा करेंगे, पूरी रिपोर्ट रखेंगे, रिसर्च के साथ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपनी पहली रिपोर्ट में आज आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या फिर अलग अलग मसले हों जिस पर अब सियासत तेज हो रही है, उन अलग अलग मसलों में डेटा लीक का भी मामला सामने आता है, जहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, छात्रों का भविष्य दूसरी तरफ अधर में लटका हुआ है। उसके साथ साथ जब धर्म के नाम पर हिंसा होने लग जाए तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि इसके तार चुनाव से जुड़े हुए हैं, समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारी ये पहली रिपोर्ट को देखिए, आधार आपको समझ में आ जाएगा। न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया और बदलते भारत की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश दुनी राज चौगनी उन्नति भी कर रहा है और अपनी अलग रफ्तार से दुनिया के सामने नए आयाम स्थापित भी कर रहा है, लेकिन इसी भारत में आस्था के नाम पर खूनी खेल हो जाता है और बदलते भारत की तस्वीर इतनी बदल जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन बदलती तस्वीरों के पीछे सियासत का भी खूब हाथ होता है, मुखियाओं की चुप्पी भी पूरी कहानी बयां कर देती है। ये तो बदलते भारत की तस्वीर का एक पहलू भर है, इसी तस्वीर में एक परत लीक का भी और मानो देश में लीक की लहर सी चल पड़ी हो। कहीं आधार के डेटा लीक की खबरें तो कहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तारीखों के लीक होने का मामला, कहीं फेसबुक के डेटा लीक का मामला, कहीं SSC और CBSE के पेपर लीक का मामला और कभी नमो ऐप के डेटा लीक का मामला। इसके अलावा मुद्दे और भी कई गर्म, जैसे एक तरफ संविधान निर्माता के नाम में रामजी जोड़ दिया जाता है, अब उन्हें भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से याद किया जाएगा। जी तो सवाल यही है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। तो चलिए समझते हैं आज कि देश में चल क्या रहा है। बने रहिए हमारे साथ। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। लेफ्ट के किले को ध्वस्त करने के बाद जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी
तो ऐसा लगा था कि पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि दीदी के नाम से जाना जाता है इनको और आम लोगों की दर्द और तकलीफों को बखूबी ये समझती हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का कार्यकाल आगे बढ़ा, उसके बाद एक एक कर, चाहे वो मालदा में बच्चों के मारे जाने की खबर हो, या फिर प्रदेश में हो रही हिंसा की खबर हो, या फिर अलग अलग पार्टियों के बीच आपस में टकराव की बात हो, सवाल उठने लग गए पश्चिम बंगाल पर। और पश्चिम बंगाल जब दहकता है और उसकी मुखिया उस प्रदेश को छोड़कर किसी और प्रदेश में चले जाते हैं, वहां पर सियासत अपनी साधने की कोशिश की जाती है, अपने मोहरों को सियासी बिसात में फिट करने की कोशिश की जाती है, तो सवाल उठने लग जाते हैं कि आखिर कैसे, कब और क्यों, किस तरह की तैयारी है ये। देखिए, कुछ कहने और सुनने से पहले दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है जलते पश्चिम बंगाल की और दूसरी तस्वीर है सुलगते प्रदेश को छोड़कर देश की राजधानी में अपने सियासी किले के दायरे को बढ़ाने में जुटी उसी प्रदेश की मुखिया की। जी, इन तस्वीरों को देखकर आपको राजनीति का नया रूप, नया रंग देखने को मिल गया होगा। दरअसल 25 मार्च को रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गई। टीएमसी ने भी शोभा यात्रा निकाली, लेकिन ये शोभा यात्रा राम की शोभा बढ़ाने की नहीं थी, ये यात्रा थी राम की शोभा बिगाड़ने की, ये यात्रा थी राम की मर्यादा को खंडित करने की, ये यात्रा थी कुछ वसूलों को तोड़ने की। जी हाँ, राम के नाम पर निकाली गई शोभा यात्रा में पहले पुरुलिया में दो समुदायों में हिंसा हुई, धीरे धीरे आसनसोल और रानीगंज भी इसकी चपेट में आ गए। इस मसले पर आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने इसे पूरी तरह से पुलिस महकमे और सरकार की नाकामी बताया। Whether it's the police, whether it's the district magistrate, whether it's the administration, they're all acting like TMC cadres, and I am saying that in no uncertain terms. It's just not a coincidence that Babul Supriyo enters Asansol after 24 hours, and the internet services are shut down. Why? Because they know that the media is going to come to me. I am going to give them the reports from the ground. I am going to talk about the failure of the administration. How? Police has remained inactive. 25 मार्च से सुलगी चिंगारी धीरे धीरे आग की लपटों में तब्दील हुई, लेकिन प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी कभी शरद पवार से तो कभी शिवसेना के संजय राउत से मिलती रही, कभी भाजपा के तथा कथित बागी शॉटगन से तो कभी यशवंत सिन्हा से मिलने में मशरूफ रही। ये सियासत है जनाब, और सियासत को जब खून के रंग का साथ मिल जाए तो वो और गाढ़ी हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उससे कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं बनती। चलिए दायरे को बढ़ाते हैं। जरा ये सोचिए कि चुनावी माहौल से पहले ऐसी हिंसा होती क्यों है, और क्या इसका फायदा भी उठाया जाता है या उठाया जा सकता है। दरअसल 2018 में देश के चार बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, और जब सियासत को धार्मिक चोला उड़ा दिया जाए तो उम्मीद यही होती है कि इसे चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश भी होगी। वैसे भी साहब, हिंदुस्तान में राम तो एक ऐसा नाम है जिससे धर्म भी जुड़ा है और राजनीति भी, तो जब चाहिए इस्तेमाल कीजिए जरूरत के हिसाब से। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। बिहार में नीतीश कुमार का मतलब सुशासन, सुशासन का मतलब नीतीश कुमार, यही कहा जाता रहा है अभी तक। लेकिन क्या नीतीश बाबू का सुशासन अब यहां भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हिंसा हुई और हिंसा के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मंत्री के बेटे पर आरोप लगा कि उनका दंगे को भड़काने में हाथ रहा है, इस पर सुशासन बाबू की तरफ से कदम नहीं उठाए गए, इसमें कितनी सच्चाई है कि उनका हाथ था या नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी भड़के कि उनके बेटे के दामन पर दाग लग रहे थे और पुलिस मामले को आगे बढ़ा रही थी, उसने इस पूरे मामले में नया पहलू भी डाल दिया। आरजेडी को इस पूरे मामले में एक नया मौका मिल गया कि वो मौजूदा सरकार को, बिहार की सरकार को घेर सके, और घेरा भी उन्होंने। वीडियो भी एक ट्वीट किया गया, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, कुछ बयानात भी आए हैं सामने, इससे भी रूबरू कराएंगे। देखिए और समझिए कि बिहार में ये जो सियासी उफान है, इसके मायने क्या अभी से हम जोड़ सकते हैं 2019 से, या 2018 में जब चार बड़े राज्यों में चुनाव होंगे उससे, और उन रैलियों में इन तमाम प्रदेशों का जिक्र किया जाएगा। अगर किया जाता है तो एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर इसे देखा जाएगा जो इन मामलों को भुना लेगा वहां। लेकिन क्या ये उचित है, देखिए इस रिपोर्ट। के अंदर राजधानी करेंगे हम, तो
पूरे शहर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू है, दिल्ली खाली करे नहीं तो सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा और सबके ऊपर सारी कार्रवाई होगी कानूनी ढंग से। लेकिन आप कर्फ्यू नहीं है, पुलिस फायरिंग नहीं हुई है। इस वीडियो को ट्वीट किया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। इस वीडियो की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो से बिहार की बदलती सियासत साफ दिखती है। 11 दिन और 5 शहर, बिहार इन दिनों दंगों की फैक्ट्री बन गया है। रामनवमी से पहले भागलपुर में दंगे हुए थे और दंगे रामनवमी के बाद भी बिहार के कई जिलों में रहे। सुशासन बाबू का ना तो शासन काम आया और ना प्रशासन। हां, दंगा भड़काने का आरोप बिहार में जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे पर लगा है और दंगों की इस आग में झुलस रहे बिहार पर राजनीति भारी पड़ रही है। लेकिन सरकार और विपक्ष एक दूसरे से पक्षक करने में ही परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं आम चुनाव से इन दंगों का कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं। और ये सवाल सबसे ज्यादा तब उठे जब पुलिस ने दंगा उकसाने के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जुन शाश्वत को आरोपी बना दिया। लेकिन अर्जुन के सामने आने के बजाय उनके पिता अश्विनी चौबे ने पुलिस की चार्जशीट को कूड़े में डालने का बयान दे दिया और मीडिया के सवालों पर डैश में उंगली दिखा के भड़क भी उठे। जरा देखिए केंद्रीय मंत्री का सलीका और तहजीब जब उनके बेटे पर लगे दंगा भड़काने के आरोपों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने उनका जवाब जानना चाहा। भाई सुनिए, सुनिए, जय श्री राम का क्या उचित है? सुनिए, आपने गलत बात कहा। आप लोग समाचार, आप लोग नहीं, आरोप नहीं, किसने आरोप लगाया, कहाँ है वो आरोप? आरोप कहाँ है आप मुझे बताओ? FIR देखा आपने? आपके बेटे खुद के FIR देखा है आपने? फिर गलत बात नहीं, चलिए आप हट रहे बढ़िया, आपको नहीं दूंगा। आप क्या बयान करते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ आप देखे हो FIR? अरे आप FIR देखे हो? नाराज क्यों हो रहे मीडिया? मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि आप गलत बात बोल रहे हैं। उंगली दिखा रहे? मैं नाराज, मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, उंगली नहीं दिखा रहा हूँ। आप गलत बात बोल रहे हैं। मंत्रियों की गाड़ियों पर भले ही बत्ती ना हो पर जुबा पर पद का घमंड जो है वो साफ दिख रहा है अश्विनी चौबे जी पर। साहब, आप जवाब देने से कतराते रहिए, कुर्सी पर इतराते रहिए, लेकिन हम तो पूछेंगे क्योंकि हमारा काम ही है पूछना। इसके इतर अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी पर पहले तेजस्वी ने हमला बोला था। अब नीतीश कुमार जी, अब ये बताएं कि कानून का अगर राज है तो जिस पे वारंट अगर जारी है तो वो बाहर खुलेआम किस तरह से घूम रहा है? ये तो सोसाइटी को खतरा है और हम पहले से भी कह रहे हैं कि ये नागपुर से जो है सरकार चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया, बीजेपी के चंगुल में वो फंसे हुए हैं और बीजेपी के केंद्र राज्य मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। तेजस्वी के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। जरा सुनिए, सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो नीतीश से पूछना चाहिए, भाई मुझसे क्यों पूछते हो? मैं पता करता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। बट पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास वारंट है, वो भी कोर्ट का दिया हुआ, जाकर पकड़ना चाहिए। तलवार चली तो गोली चले। सुशासन बाबू हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भी उनके पक्ष में नहीं बोल रहे। भड़के दंगों को बिहार की खाकी क्यों नहीं रोक पाई, सबसे बड़ा सवाल यही है और हर सवाल का जवाब लोकतंत्र के रास्ते पर वोटर देता है। सियासतदान ये बखूबी जानते हैं। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको एक और रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां कहां और किस किस तरीके से लीक्स हो रहे हैं और इन लीक्स को रोकने के लिए, बचाने के लिए, छुपाने के लिए कोई नहीं, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।
मौजूदा दौर में आप किधर भी नजर उठा करके देख लीजिए, आपको एक बात जरूर मिलेगी कि यहां पर लीक हो गया और यहां से जो चीजें हैं वो बाहर आ गई, चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स की बात हो, चुनाव आयोग के चुनाव डिक्लेयर करने से पहले की बात हो, डेटा के लीक होने की बात सामने आ रही है, नमो ऐप के लीक होने की बात सामने आ रही है। तो एक दौर चल गया है और उस दौर में एक के बाद एक चीजें आ रही हैं सामने, और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ जाए कि यहाँ के डेटा भी लीक हो गए हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि आकर किस तरीके से इन तमाम चीजों को रोका जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में गुरुवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संविधान निर्माता और दलितों की आवाज बाबा साहेब के नाम में रामजी जोड़ने का फैसला लिया। कहा यह जा रहा है कि योगी सरकार ने ये फैसला राज्यपाल राम नाईक के सुझाव पर लिया। दरअसल भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ अब उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल का नाम भी जोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब इसमें दलितों को साधने का प्रयास है या राम से जुड़ने की कोशिश या और कुछ, ये सियासतदानों पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो बात समझने और पकड़ने वाली है वो है लीक। आम लीक से हट के हैं ये लीक और सिस्टम का ये लीक किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। कहीं आधार का डेटा लीक, कहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तारीखों के लीक, कहीं नमो ऐप का डेटा लीक, कहीं फेसबुक का डेटा लीक, तो कहीं SSC और CBSE के पेपर लीक। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लीक्स मामले में सरकार को ट्वीट कर घेरा। राहुल ने ट्वीट कर पूछा कि कितने लीक, डेटा लीक, आधार लीक, SSC एग्जाम लीक, इलेक्शन डेट लीक, CBSE पेपर्स लीक, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है, बस एक और साल। इन तमाम लीक्स ने हमारे सिस्टम के लूप होल का सिरा खोल कर रख दिया है। CBSE का पेपर लीक हुआ तो मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मामले पर उन्होंने गंभीरता से संज्ञान लिया है। CBSE के पेपर लीक के मामले की हमने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया। मंत्री साहब के जवाब में ही सवाल ये है कि अगर गंभीरता से मामले को पहले ही लिया जाता तो शायद पेपर लीक होते ही नहीं, और पेपर लीक के खेल में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने बोर्ड के लिए दिन रात देख कर पढ़ाई की थी वो अब फिर उन्हीं विषयों का पेपर देंगी जो कि वो पहले ही दे चुके हैं। लापरवाही CBSE की और खामियाजा भुगत रहे हैं बच्चे। खुद सुनिए किस्सा कि आखिर हुआ क्या था HRD मिनिस्टर की जुबानी। क्या है, इस बार दो तीन पेपर के समय आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पे उसके कुछ अंश आ गए, तुरंत पहले ही दिन हमने उसकी संज्ञान लेकर पुलिस में, और पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम स्थापित की है और वो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जहां जहां भी ढूंढना था वो कर रहे हैं, बाकी भी कार्रवाई कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ये गुनाह कर रहे हैं या कोई गैंग ऑपरेट कर रही है तो उसको पकड़ा जाएगा और उनको कड़ाई से। यही नहीं, HRD मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। सजा होगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। जी, छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन सिर्फ खेला नहीं गया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये दर्द आप खुद सुनिए इस छात्रा से। बायोलॉजी का पेपर लीक हुआ है तो ये तो सारे बोर्ड एग्जाम ही दोबारा कंडक्ट करो, सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथ्स, टेंथ का मैथ्स ही, और हमारे अभी फिफ्थ को साइकोलॉजी का है, सिक्स को पॉलिटिकल साइंस का है, टेंथ को सोशियोलॉजी का है। अगर इन सब पेपर के बीच में इन्होंने इकोनॉमिक्स का पेपर रख दिया तो हम क्या पढ़ेंगे? हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दोबारा वही इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और जो पेपर देते टाइम हमें जो डिसअपॉइंटमेंट होगी कि वो वही पेपर हम दोबारा दे रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? छात्रों को फिर से अर्थशास्त्र और मैथ्स के पेपर देने पड़ेंगे। आगे पेपर लीक होने से मंत्रालय कैसे निपटेगा? HRD मिनिस्टर ने इस बात का भी जवाब दिया है। CBSE ने तय किया है कि सोमवार से जो परीक्षा होगी वहां बहुत ज्यादा नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर्स छात्रों को मिलेंगे, ताकि लीक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो उपाय कर रहे हैं। मंत्री साहब ने भले ही खाका बता दिया हो कि कैसे निपटा जाएगा पेपर लीक से, लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना है कि ये कवायद पहले ही क्यों नहीं की गई? क्या आग लगने पर ही कुआं खोदा जाएगा वाली रवायत ये सरकार भी निभा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। प्राइम डेस्क, जनता TV।
तो हमारी आज की पेशकश में हमने आपको ये बतलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। अब आप भी अंदाजा लगाइए कि इन तमाम चीजें जो चल रही हैं हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान अपने असल मुद्दों से भटक नहीं गया है? क्या इन तमाम मुद्दों में अगर उलझकर हिंदुस्तान रह जाएगा तो हम कहां से जिस विकास को हासिल करने की बात सामने आती है या फिर हम विकास को हासिल करने की बात करते हैं, उस विकास को हम हासिल कर पाएंगे क्या? इसलिए ज़रूरत है कि जो मौजूदा दौर में चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान में उससे आगे बढ़ा जाए और असल मुद्दों पर बात की जाए। और शायद हम ये जानते हैं कि इन असल मुद्दों पर शायद ही कोई बात करना चाहता हो। तो उम्मीद करते हैं आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।